तो क्या आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे ड्राई हैं, अनमैनेजेबल हैं, या फिर किसी भी प्रकार से डैमेज हैं, या तो आपने कोई भी मार्केट वाला ट्रीटमेंट करवाया हो, या कोई किसी भी प्रकार का डैमेज है आपके बालों में जिसके कारण आपके बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए हैं केमिकल के कारण या फिर बाहरी कारण, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, आज के वीडियो में हम फ्लैक्सीड जेल के बारे में बात करने को आए हैं। जी हाँ, फ्लैक्सीड जेल एक ऐसा जेल है जो कि बेसिकली बनता है अलसी के बीजों से। अलसी का बीज एक सुपर फूड है जिसमें हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर वेल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने को आए हैं फ्लैक्सीड जेल या फिर फ्लैक्सीड या फिर अलसी के बीजों का जो जेल है हमारे बालों के लिए किस प्रकार बेनिफिशियल। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, अनमैनेजेबल है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, तो आज की ये रेमेडी आपके लिए ही हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अलसी एक ऐसा सुपर फूड है जो कि हमारे इंटायर हेल्थ के लिए है। इसे पिछले वीडियो में हमने आपके साथ इसका पूरा इंट्रोडक्शन, इसके बारे में पूरी बात की थी। आज के वीडियो में हम इसको बालों के लिए किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में आपके साथ बात करने को आए हैं। तो बेसिकली इसमें सबसे बात करी जाए, सबसे पहले तो इसमें होता है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक, फाइबर, इस आयरन, कैल्शियम, तो विटामिन B1, B12, विटामिन ई। तो ये बेसिकली बात की जाए बालों की, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड प्रोटीन, जिंक, आयरन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। आयरन हमारे बालों को मजबूती प्रोवाइड करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, इसके साथ ही साथ प्रोटीन से हमारे बाल बने होते हैं, तो इसमें प्रोटीन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है, कारण क्या है कि बालों में प्रोटीन की कमी हो जाती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हैं तो उनको स्मूथ, सॉफ्ट और मैनेजेबल भी बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ हमने इसके बारे में फ़ायदे शेयर किए, इसको किस प्रकार बनाना है, फ्लैक्सीड जेल को बनाना किस प्रकार है, इसके साथ ही साथ उसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है, वो भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना है। यहाँ लेना है 2 से 3 चम्मच फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज। उसके बाद आपको इसको बॉईल करना है 1 गिलास पानी में, 2 से 3 चम्मच फ्लैक्सीड के बीजों को बॉईल करना है। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। आप इसको ज़्यादा गाढ़ा ना करें, थोड़ा पतला रहे उसी समय छान लें। ज़्यादा अगर आप गाढ़ा कर लेंगे तो ये छनेगा नहीं, क्योंकि ये जेल में बदल जाएगा। जब आप इसको छानोगे थोड़ा पतला रहेगा, लेकिन बाद में ये जेल बन जाएगा। उसके बाद जब ये आप इसको छान लेंगे, उसको ठंडा कर दें। 1 चम्मच नारियल का तेल, अगर आपके बालों में रूसी वगैरह है तो आप यहाँ पे 1 चम्मच दही भी मिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ आप नारियल के तेल को ही मिक्स करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसको मिक्स करके आपको बालों में कैसे अप्लाई करना है, बालों को सेंटर पार्टिंग करें, यानी बीच से मांग निकाल के पूरे बालों में, टिप्स से लेकर रूट तक पूरे बालों के लेंथ में, आप स्कैल्प में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है जो कि बालों के नए फॉलिकल्स को बनने में, बालों को क्यूटिकल को मॉइस्चराइज करेगा, रिपेयर भी करता है। इसके साथ ही साथ अलसी का जो जेल होता है दोस्तों, अगर आपके बालों में किसी भी प्रकार की कलरिंग है, किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट करवाया है, किसी भी प्रकार का डैमेज है, कारण कोई भी हो, उसको भी ये ट्रीट करता है, उसको ठीक करता है। तो उसके बाद जैसे हमने बताया कि इसको पूरा अप्लाई करना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद आपको पानी से वॉश करना है पहले, अगर हो सके तो उस दिन वैसे छोड़ दे, अगले दिन शैम्पू करें। अगले दिन आपको शैम्पू कोई भी, आप जो भी आपके लिए अच्छा है वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन पहले दिन आपको सिर्फ पानी से। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे ड्राई हैं, बहुत अनमैनेजेबल हैं, तो आप इसको लगातार 7 दिन करके देखिए, विश्वास कीजिए, कितने भी डैमेज, ड्राई, रूखे सूखे, अनमैनेजेबल बाल हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने वाले हैं, इसके रिजल्ट से सरप्राइज होने वाले हैं। उसके साथ ही साथ पहले आप इसको 7 दिन लगातार करेंगे, करने के लिए आप इसको बना के, ज़्यादा मात्रा में बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, लेकिन जिसमें भी स्टोर करें डार्क कलर की बॉटल होनी चाहिए, आप लाइट कलर की या ट्रांसपेरेंट बॉटल नहीं होनी चाहिए। या फिर आपके पास समय नहीं तो आप इसको वीक में 2 बार या फिर 1 बार भी यूज़ कर सकते हो। लगातार 4 से 5 वीक करेंगे तो आप अपने बालों में काफ़ी अच्छे चेंजेस देख पाएंगे। जी हाँ, उसके साथ ही साथ मेल एंड फीमेल दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ 12 साल से कम एज वाले बच्चे इसको यूज़ ना करें। तो दोस्तों, ये बहुत ही इसके अमेजिंग रिजल्ट है, एक बार इसको यूज़ करके देखिए, विश्वास कीजिए, बहुत इसके गज़ब के रिजल्ट है। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरा वीडियो, मेरी जानकारी पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ उसमें मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।